नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद बाबा सन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों आज बात करेंगे गुलाब। गुलाब का नाम सुन के आपके दिल में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि गुलाब एक ऐसा फूल है जो बहुत ही सुंदर दिखने वाला होता है। यूँ तो फूलों के राजा गुलाब के पौधे से सभी परिचित होंगे, फिर भी कुछ खास बातें जब पर मैं बताना चाहूँगा। आयुर्वेद के अनुसार में एशियाई देशों में सिंगापुर, थाईलैंड फूलों व पौधों में निर्यात करने में अग्रणी माना जाता है। इस पौधे की मूल उत्पत्ति सीरिया ईरान से हुई है। दोस्तों गुलाब की अनेक किस्में होती हैं जिन पर अनेक रंगों में पुष्प खिलते हैं। दोस्तों आमतौर पर इसका पौधा ऊंचाई में 4 से 6 फुट तक होता है, तने में असमान कांटे लगे होते हैं और पत्तियां 5 मिली हुई होती, बहुत ही सुंदर दिखने वाली होती है। बहुआत में मिलने वाला पुष्प गुलाबी रंग का होता है। ज़्यादातर फल अंडाकार लगते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में फूलों की बहुत ही ज़्यादा बहार होती है। दोस्तों इसमें दोस्तों गुलाब का फूल दिखने में जितना सुंदर होता है उससे भी कहीं ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार गुलाब रस में तिक्त कषाय और मधुर शीतल प्रवृत्ति का होता है। दोस्तों लघु स्कंद विपाक में मधु वात पित्त शामक अधिक प्यास दाह जलन पसीने की दुर्गंध नाशक रस व रक्त धातु को शुद्ध करने की क्षमता इसमें विशेष रूप से पाई जाती है। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब में रासायनिक संगत का भी विश्लेषण माना जाता है। दोस्तों याद होता है कि इसमें ओलियम रोजी तेल पाया जाता है। गैलिक और टैनिक एसिटस प्रति 100 ग्राम पुष्पों में 4000 मिलीग्राम विटामिन सी इसमें पाया जाता है। दोस्तों और विटामिन इसके साथ में सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, वो इसमें मिनरल्स पाया जाता है। दोस्तों क्योंकि ये संक्रामक रोगों से बचाता है, नज़ला सर्दी जुकाम से दूर रखता है, टिश्यूज और हड्डियों में विशेष शक्ति का संचार प्रदान करता है। ये औषधीय जड़ी बूटी गुलाब की बात कर रहा हूँ। रूस में तो कई कई किलोमीटर तक गुलाबों के बाग लगाए हुए हैं। कुछ का मानना है कि गुलाब विटामिन सी से भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है और दुर्लभ औषधि इस औषधि का रामबाण हमारे आम जन जीवन में फायदा होता है। लोग इनको सिर्फ फूल के माध्यम से ही दिखाना पसंद करते हैं क्योंकि आयुर्वेद में इसके गुण लोगों ने समझे नहीं। लोग इसके शरबत और परफ्यूम तक ही सीमित हैं, बाकी लोग इसके फायदे नहीं जानते। इसलिए मैंने देखा इस पर वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी होता है जिससे जन जन जीवन जीवन में फायदा हो। दोस्तों और इसके बाद हम दोस्तों बात करें गुलाब के किन किन रोगों में औषधीय गुण फायदे होते हैं। तो दोस्तों होठों का कालापन, जिसके होठ काले रहते हैं उनको गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर यूज करने से फायदा होता है। दोस्तों मुंह के साले, जिस व्यक्ति के मुंह में साले ज़्यादा हो जाते हैं उस स्थिति में फूलों का काढ़ा बनाकर बार बार गरारे करने से आपको तुरंत फायदा जरूर मिलता है। दोस्तों कान का दर्द, कान के दर्द के समय उस कंडीशन में गुलाब के फूलों का निकलना ताज़ा रस कानों में टपकाने से फायदा होता है। दोस्तों दाद जैसी भयानक समस्याओं के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों आँखों के कष्ट में भी फायदेमंद है। सुबह शाम अर्क दो दो बूंद आँखों में डालने से अनेक कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों अतिसार में भी आप यूज कर सकते हैं। श्वेत प्रदत्त में भी बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। पेट की बीमारियों में भोजन के बाद गुलकंद का नियमित रूप से 2-2 चम्मच यूज करने से पेट की बीमारियों में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों दांतों के रोग में भी बहुत ही फायदेमंद है। फूलों की पंखुड़ियाँ सबाकर खाने से मसूड़े मजबूत होते हैं और मुख की दुर्गंध भी दूर होती है। पायरिया जैसी समस्या में भी आपको तुरंत फायदा मिलता है इस औषधि का। दोस्तों खुजली में भी बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। शीत पित्त में भी सिर दर्द जिस व्यक्ति को होता है
उस कंडीशन में आप 10 ग्राम गुलाब की फूलों की पंखुड़ियां 2 इलायची के साथ में सबाकर खाएं, जिससे तुरंत आपको फायदा दिखाई देगा। दोस्तों अम्लपित्त में भी उस कंडीशन में भी आप गुलाब का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मेरा एक ही दोस्तों नारा है कि जन जन जीवन में स्वदेशी औषधीय गुणों से हर चीज तक रूबरू कराऊं, आम जनता से लेकर बड़े बड़े लोगों तक, कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान में। कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही औषधीय पौधे हैं लेकिन लोग जान नहीं रहे, इसलिए मैंने ये एक चैनल शुरू किया है, एक मुहिम चलाई है कि दोस्तों हर हमारे समाज में लोग इस औषधीय गुणों से जानते नहीं है कि औषधीय गुणों से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूँगा कि आप ये जो औषधीय गुण होते हैं उनको आप जानो, ताकि ज़्यादातर लोग अंग्रेजी दवाइयाँ गोली दवाइयाँ लेते हैं जिससे आपको शरीर में बहुत नुकसान होता है। आप आयुर्वेदिक कोई भी वस्तु यूज करते हैं उससे हमारे शरीर में फायदा होता है, नुकसान उससे 0% है। इस माध्यम से मुहिम चलाइए दोस्तों, इसमें आपका सहयोग जरूर सदा रहना चाहिए। इसी आशा और आकांक्षा के साथ में